अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने रामपुर में आजम खान पर बोला हमला। आपके विकास का, आपके जीवन को और बेहतर बनाने का वादा, जिसको पूरा करने का काम चुने हुए नुमाइंदों को करना चाहिए, लेकिन वो अपना दायित्व भूल गए। जाति जनगणना को लेकर अनुप्रिया पटेल ने सपा को रखा निशाने पर, लेकिन वो अपना दायित्व भूल गए और इसलिए आप सबने ऐसे लोगों की गलतफहमी को तोड़ा। विपक्ष के नेताओं पर बिना नाम लिए जमकर बरसी अनुप्रिया पटेल। उन्होंने रामपुर को अपनी व्यक्तिगत जागीर समझ लिया और रामपुर पर हुकूमत करते वक्त वो ये भूल गए कि जो जनता का भरोसा है ये विश्वास का वादा होना चाहिए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे रामपुर की नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे रामपुर की नई कहानी। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। रामपुर पहुंची अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पूर्व मंत्री आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां की जनता ने जिन्हें मौका दिया, जिन पर भरोसा जताया, वो अपना दायित्व तो निभाना भूल गए, इसलिए जनता ने भी उनकी गलत फहमी को दूर कर दिया, लोकतंत्र के सही माने समझाने का काम किया। अब नया अवसर आया है तरक्की करने के लिए, नए मौके हैं। साथ ही स्वार विधानसभा में हुए उपचुनाव में शफीक अहमद अंसारी को विधायक बनाने के लिए जनता का आभार जताया। ये रामपुर राजनीतिक रूप से बड़ी चर्चाओं का केंद्र बना रहा है। रामपुर की जनता ने जिन लोगों को पहले यहाँ मौका दिया, जिन पर भरोसा जताया, उन्होंने रामपुर को अपनी व्यक्तिगत जागीर समझ लिया और रामपुर पर हुकूमत करते वक्त वो ये भूल गए कि जो जनता का भरोसा है ये विश्वास का वादा होना चाहिए। आपके विकास का, आपके जीवन को और बेहतर बनाने का वादा, जिसको पूरा करने का काम चुने हुए नुमाइंदों को करना चाहिए, लेकिन वो अपना दायित्व भूल गए और इसलिए आप सबने ऐसे लोगों की गलतफहमी को तोड़ा और उन्हें लोकतंत्र के सही मायने समझाने का काम किया है। आज आपके सामने नए अवसर हैं, नए मौके हैं आगे बढ़ने के, तरक्की करने के। पूरा अपना दल परिवार आपके बीच में है। अपना दल को आपने अपने दिल में बसाया, इसके लिए तो हम आपको शुक्रिया कहने आए ही हैं। साथ में ये भरोसा भी दिलाने आए हैं कि अब स्वार टांडा के साथ साथ ये पूरा रामपुर प्रगति, उत्तर प्रदेश की सरकार। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। मंत्र वाली पार्टी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पार्टी की शुरुआत से लेकर अब तक के बारे में लोगों को विस्तार से बताया। दबा कुचला कमजोर गरीब पिछड़ा पसमांदा दलित उसकी भागीदारी की बात की है हमारी पार्टी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी के मंत्र पे काम करती है। निरंतर समाज का, वंचित तबका, अपना दल के संघर्षों के केंद्र में रहा है और समय समय पर इतने लंबी यात्रा में सन 1995 में अपना दल का गठन हुआ और आज 2023 में हम खड़े हैं। शुरुआती दौर में हमने बहुत सारी असफलताओं का सामना किया। अगर विचारों के प्रति, विचारधारा के प्रति हमारी संकल्पबद्धता ना होती तो हम भी कोई ना कोई शॉर्टकट अपनाते, कोई ना कोई वैचारिक समझौता करते और आगे बढ़ जाते। लेकिन अपना दल को विचारधारा से समझौता किसी कीमत पर मंजूर नहीं है और इसलिए 1995 से लेकर
पिछड़ों को, पसमांदा को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक को, दलितों को बढ़ाने का काम किया है। विचारधारा से कोई समझौता अपना दल न करता था, न करता है, न कभी करेगा। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही थी, बड़ी बातें हो रही थी, विपक्ष मांग उठा रहा था जातीय जनगणना की। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने विस्तार पूर्वक इस विषय को रखा। मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिनके पास चार चार बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने का मौका था, उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी जातीय जनगणना का नाम तक नहीं लिया, और आज जैसे ही विपक्ष में बैठने को मजबूर हुए, वैसे ही उन्हें पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की याद सताने लगी। पुराने काले इतिहास को भुलाने का वक्त आ गया, अब नया दौर आया है, तरक्की करने के नए मौके हैं। अपना दल एस अपसवार टांडा के साथ पूरे जिले का विकास कराने के लिए अग्रसर रहेगी। उन्होंने कहा कि अपना दल एस प्रदेश और केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहां की जनता को दिलाने का काम करेगी। कि जिले के निवासियों के जीवन में सुधार हो, सरकार की तमाम योजनाएं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब आपके बीच में पहुंचेंगी। और इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि पुराने काले इतिहास को भुलाने का वक्त आ गया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे रामपुर की नई कहानी। अपना दल या एनडीए की सरकार, आप किसी के लिए अछूते नहीं हो। बस जरूरत थी कि हमारे आपके बीच में एक विश्वास का सेतु कायम हो, और आपने उस सेतु को कायम करके दिखाया है। हम आज आपके बीच यह भरोसा कायम करने के लिए आए हैं कि अपना दल आपके सम्मान, आपके कल्याण, आपकी बेहतरी और आपकी भागीदारी की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर है। अभी हमारे जनपद प्रतापगढ़ की धरती से चल के आए विधायक जीतलाल पटेल जी के विचारों को आपने सुना, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष। अब देखना ये होगा कि रामपुर की क्या नई कहानी होती है और क्या विकास होगा। फिलहाल जो भरोसा अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने रामपुर के लोगों को दिलाया है, वो पूरा होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये खबर हमारे संवाददाता शहबाज खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस खबर से Facebook के जरिए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।